तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के पूर्व सांसद कुणाल घोष को पार्टी के प्रदेश महासचिव पद से हटा दिया। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की, साथ ही उन्होंने बताया कि ये फैसला क्यों लिया गया है। बयान में तृणमूल कांग्रेस ने लिखा, हाल ही में कुणाल घोष कई ऐसी बातें कर रहे हैं जो पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाती, इसलिए यह स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी था कि वो जो कर रहे थे वो पूरी तरह से उनकी निजी राय थी, उनका पार्टी की सोच से कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल ने बयान में साफ किया कि कुणाल घोष को पहले भी पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था, इस बार उन्हें तृणमूल राज्य महासचिव के पद से भी हटा दिया गया। कुणाल घोष ने बुधवार सुबह पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता और वर्तमान भाजपा उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार तापस राय की प्रशंसा की थी। दोनों को बुधवार को उत्तरी कोलकाता के वार्ड नंबर 38 में एक क्लब के रक्तदान शिविर में आमंत्रित किया गया था, वो भी मौजूद थे। तापस राय की मौजूदगी में कुणाल घोष ने वहां अपने भाषण में कहा, जब तक तापस राय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने लोगों की सेवा की, उनका दरवाज़ा लोगों के लिए दिन रात खुला रहता था, जब लोगों ने उन्हें बुलाया तो वो उनसे ज़रूर मिलते थे। फर्जी वोट ना होने दें, कुणाल घोष के दावे के मुताबिक उन्हें क्लब की ओर से आमंत्रित किया गया था। वहां जाने के बाद तापस राय को देखा, कुणाल ने मंच पर खड़े होकर घटना के बारे में बात करते हुए कहा, राजनीति की जगह राजनीति रहने दीजिए। हमने तापस दा को उन्हें परिवार में रखने की कोशिश की थी क्योंकि तापस दा हमारे काफ़ी पसंदीदा हैं। तापस दा का दरवाज़ा सभी लोगों के लिए हर समय खुला रहता है। तापस दा ने अतीत में जिस तरह से लोगों की सेवा की है, इसके कारण ही वो अब एक बड़े राजनेता हैं। दुर्भाग्य से अब हमें राजनीतिक क्षेत्र में तापस को विपरीत देखने को मिल रहा है। हमारी पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद कुणाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां उन्होंने उत्तरी कोलकाता से टीएमसी के उम्मीदवार सुदीप वद्योपाध्याय के जनसंपर्क पर सवाल उठाए। इस बारे में बात करते हुए कुणाल घोष ने फिर तापस राय की प्रशंसा की। कुणाल घोष द्वारा तापस राय के प्रशंसा से बंगाल की सियासत में खलबली मच गई थी। उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने कुणाल घोष के खिलाफ बड़ा कदम उठाया और कुणाल घोष को पार्टी के महासचिव पद से हटाने का ऐलान कर दिया।